तो तुम इतनी एक्टिव कैसे रही, क्या वजह थी, तुमने खुराक में ऐसे क्या चीजें ली जिसकी वजह से एक्टिव रही माशाल्लाह? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि अगर औरत खुश रहे ना तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा। मैंने तो बहुत खाया है, मैंने सब कुछ खाया है पूरे दिन पूरी रात। और मुझे लगता है इस दौरान ये जो पीरियड होता है इसमें मेरे ख्याल से हस्बैंड का पास होना बहुत जरूरी है। आप थे 9 महीने पास थे। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना था, शोज भी नहीं थे, बहुत कम थे, मतलब ना होने के बराबर थे। तो मेरे पास हम बेसिकली लकीली शादी से लेकर जब तक ये कोरोना नहीं खुला हमने बहुत टाइम स्पेंड किया साथ। सारा को खुश करने की वो क्या है, टेक्निक क्या है? टेक्निक वैसी हंसमुख है इसके, तो क्या खुश करना, छोटी छोटी बातों पर इतना हंसती है माशाल्लाह। वैसे मुझे अच्छी लगती है, कोई मसला होता ही नहीं है, और अगर हंस दे तो कोई बात आगे करने वाली। अगर फलक ये रो जाए फिर क्या करते हैं आप, किसी बात पे रो जाए? अच्छा, ये इमोशनल नहीं है बिल्कुल। कभी अम्मी अब्बू याद आ जाए और कुछ आ जाए। हाँ, मेरे शो पे भी बहुत मुश्किल होता था स्क्रोला। एक दफा ये रोई थी तो बस फिर मैं अपने सीने से लगा लेता हूँ। अम्मी अब्बू को याद करके रोई थी या क्या, मुझे नहीं पता, बस रो रही थी। आलियाना रोती है तो ये हाँ, एक दफा ये स्टार्टिंग में इससे ना ये संभल नहीं रही थी बिल्कुल। मैं कहती थी इतनी छोटी है मैं इसे पकड़ूं कैसे, बहुत नाजुक लगती थी मुझे भी, बहुत नाजुक। इसका मैं क्या करूं, खुदा ना खास्ता यार कहीं गिरी ना, इसका बाजू ना निकल के कहीं गिर जाए, इतना नाजुक हमें लगती थी। तो फिर ये एक दिन मुझे इसने रोते रोते फोन किया कि फलक मुझसे नहीं संभल रही, मैं कैसे करूंगी। अब मैं उस वक्त आउट ऑफ सिटी था, तो फिर बहनों को भेजा इसकी कि जरा समझाओ। फिर आस्ता आस्ता आपको पता औलाद का प्यार ही ऐसा है कि वो कभी भी आप किसी भी हाल में आपको खुश कर ही देती। बस यही है, इससे तो उसके अलावा इमोशनल नहीं है, बहुत स्ट्रांग है अपने इमोशंस के ऊपर, इसका बड़ा कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यश मगिल हियर, प्लीज सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ऑफ एयर बाय डिजिटल टू स्टे अपडेटेड।